कुख्यात गैंग सहनी ब्रदर्स के पुत्र की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिवार में सभी लोग मोस्ट वांटेड अपराधी। चेरिया बरियारपुर थाना सहित सीमावर्ती थाना क्षेत्र में हो रहा है सहनी ब्रदर्स का आतंक। नकाबपोश बाइक सवार दो अपराधियों ने थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में 18 वर्षीय किशोर को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार उक्त हादसे में उक्त गांव निवासी राम प्रवेश सैनी के पुत्र धर्मेंद्र सैनी उर्फ धारो की हत्या हुई है। सिर्फ एक गोली धारो के सीने में लगी। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने किशोर को घर के पास ही गोली मारी। गोली लगने से किशोर वहीं जमीन पर गिर गया तथा परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से उसे CHC चेरिया बरियारपुर पहुँचाया गया, जहाँ पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रात्रि में ही पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। सनद हो, बीते कुछ वर्ष पूर्व चेरिया बरियारपुर थाना सहित सीमावर्ती थाने का सैनी ब्रदर्स का भतीजा बताया जा रहा है, जिनका संबंध नक्सलियों से जुड़े होने की चर्चा थी। वहीं सूत्रों की माने तो हताहत किशोर कल शाम से दुर्गा स्थान करोड़ खांझापुर में लगने वाले हाट पर तमंचे का जोर दिखा रहा था। घर पहुंचकर भी आसपास में धमा चौकड़ी मचा रहा था। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उसी दौरान गलत नियत से किसी के घर में घुसने की बात सामने आ रही है, जिसका विरोध उसी वक्त हुआ था। उसके कुछ देर बाद जब वह घर के समीप खड़ा था, तभी एक बिना नंबर वाली बाइक सवार दो नकाबपोश अपराधी सीने में एक गोली दागकर चलते बने। घटना के बाबत थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि परिजनों के द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है। वैसे मृतक के पारिवारिक इतिहास के साथ घटना की जांच की जा रही है। पुलिस हर बिंदु को खंगालने में जुटी है। शीघ्र ही घटना से पर्दा उठ जाएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मछली पालन करते हैं, रात में आज सर 7:30 करीब हम घर में घुसे और इधर आवाज सुने, फिर बाहर आए तो देखे रोड पर सुतल था। फिर देखे वहाँ टॉर्च बारे देखे गोली लगल है। फिर सब मिल को वहाँ पर उठा बैठा के इधर उधर किए, फिर लेके यहाँ ब्लॉक पर लेकर आए, डेथ कर गया सर। मतलब कौन अपराधी थे, किसी से दुश्मनी? दुश्मनी हमें तो किसी साथ था नहीं, उसके बारे में तो हम नहीं जानते ना। पर वहाँ लमसम 7 बजे हम घर में घुसे, उसके बाद आवाज़ सुने हम बाहर आए, ठीक है, बाहर आए देखे वो खून गिर रहा है। उसके बाद उसको उठा के ब्लॉक लाए, डेथ कर गया हमारा भाई सर। दो लड़का था, मोटरसाइकिल से आया था, ठीक है, मारा और चलते रह जाओ। कहाँ पर घटना को अंजाम दिया, कहाँ से आ रहा सर? हमारा घर का आगे में रोड है सर, रोड पर हम गाड़ी लगाए सर, हम घर में घुसे और रोड पर गया था लड़का, बस इतना ही 2 मिनट अंदर में हो गया सर। क्या करने के लिए गया था सड़क पे, रोड पे? घर आगे टहलने के लिए जी, घर का आगे सड़क है सर। अच्छा, सड़क पे गया था खाना खा के टहलने के लिए, बस इसी क्रम मार्ग भाग गया। मतलब पता नहीं चला कि कौन है? दूर था सर, मोटरसाइकिल पर बैठल था, मुँह कान झपने था, किसी को नहीं पहचाने। तो कोई दुश्मनी आपके नजर में कभी किसी से विवाद बाद विवाद? जी हमारा तो नहीं है सर किसी से बात विवाद। क्या धंधा से मतलब रखते हैं सर, अपना काम धंधा मछली पालन करते हैं। ये क्या करते थे लड़का युवक? लड़का कुछ नहीं, घरे पर रहते थे सर। पढ़ाई भी करता था? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करता था। कितना उम्र होगा लगभग? लगभग 17-18 बरस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सर लक्ष्मण सर। कौन हुए आप? हम उसका चाचा है सर। लड़का का नाम लक्ष्मण सर? क्या मतलब मछली पर कुछ नहीं करना? लड़का का क्या नाम हो? कितने बजे घटना है? 7:30 बजे सर। सुबह शाम को? शाम को। लड़का का क्या नाम हो? धर्मेंद्र सानू उर्फ धारो।